नमस्कार, आप सभी का स्वागत सरकार आपके साथ में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस खास कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में जो कि लगातार सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। आज भी एक ऐसी ही खास योजना के बारे में आपको हम जानकारी देंगे और इसका नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। जी हाँ, किस उद्देश्य के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई और आज के समय में जो मिशन है किस तरीके से काम कर रहा है, कितना फायदा इसके जरिए मिला है, ये सारी बातें जो हैं आपको हम बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस योजना का सार क्या है। ग्रामीण भारत में पशुपालन लोगों की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। ये करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। सरकार इस क्षेत्र में सुधार और बेहतरी के लिए कई तरह के कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। 2021-22 के दौरान इसमें कुछ बदलाव किए गए और इसका मकसद घरेलू जरूरतों को पूरा करना और निर्यात से होने वाली आमदनी को बढ़ाना है। इसका मकसद पशुधन का सतत, सुरक्षित और न्यायसंगत विकास करना था, ताकि पशुपालकों और किसानों के जीवन स्तर में बेहतरी लाई जा सके और उनके पोषण को सुधारा जा सके। ये मिशन छोटे पशुपालकों पर खास ध्यान देता है और पशुधन उत्पादन में तेजी से सुधार करने वाले सभी जरूरी कार्यों और हितधारकों की क्षमता निर्माण को कवर करता है। हमारे देश में चारा और पशु आहार की उपलब्धता कम है और मांग ज्यादा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन इस समस्या के समाधान की बात करता है, साथ ही स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और उनमें सुधार के अलावा उत्पादन और उत्पादकता को पर्यावरण अनुकूल तरीकों से ऊंचे स्तर पर ले जाना, भूमिहीन या छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी करना, जागरूकता बढ़ाना, जोखिम कवरेज में सुधार करना और उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले पशु उत्पाद मुहैया कराना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के चार उप मिशन हैं। पहला उप मिशन पशुधन विकास से जुड़ा है। इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के अलावा कुक्कुट के लिए नवाचारी प्रायोगिक परियोजना, उद्यमिता विकास और रोजगार बढ़ाने पर जोर है। साथ ही ये उप मिशन संकटग्रस्त नस्लों का संरक्षण और पशुधन बीमा के संबंध में राज्य फार्मों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाता है। दूसरा उप मिशन पूर्वोत्तर में सुअरों के विकास से जुड़ा है। इसके अंतर्गत भारत सरकार राज्य सुअर पालन फार्मों की आर्थिक मदद करेगी और जर्म प्लाज्म के आयात में सहायता देगी। तीसरा उप मिशन पशु चारा संसाधनों की कमी का समाधान करता है, ताकि पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इसे भारत के लिए प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाया जा सके, साथ ही निर्यात क्षमता का भी उपयोग किया जा सके। इसका प्रमुख उद्देश्य घाटे को कम करके जीरो तक लाना है। चौथे उप मिशन में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार को शामिल किया गया है। ये सच है कि हमारे देश में पशुधन के कामों से जुड़ी क्षेत्रीय विस्तार मशीनरी बहुत कमजोर है। यही वजह है कि हमारे किसान नई तकनीकों को पूरी तरह अपनाने में सक्षम नहीं है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में आने वाले खर्चे का 60% केंद्र सरकार को जबकि 40% राज्य सरकारों को वहन करना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र पर पड़ने वाला खर्च 90% और राज्यों पर 10% रह जाता है, जबकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इस मिशन पर आने वाला सारा खर्च भारत सरकार उठा रही है। इस तरह 2021-22 से शुरू होकर अगले 5 साल के लिए इस मिशन के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी और इस पर 9,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पशुधन के क्षेत्र में कुल 54,618 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया जाएगा। तो जाना आपने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का सार आखिर क्या है और किस उद्देश्य के साथ इस मिशन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें सरकार आपके साथ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे इस योजना को आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार।
हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सरकार आपके साथ में, आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में। जी हाँ, किस तरीके से, देखिए जो उद्देश्य है वो आपने जाना और योजना का जो सार है ब्रेक पे जाने से पहले आपने जान लिया, लेकिन कैसे इसका फायदा आपको मिल सकता है, यानी इसको प्राप्त करने का क्या तरीका है, आइए ये भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन आहार और चारे के विकास पर तो जोर देगा ही, ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी और शुकर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर गहराई से ध्यान देगा। ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन से जुड़ी उद्यमिता से 1.5 लाख किसानों को सीधा रोजगार मिलेगा, साथ ही भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के विकास से 2 लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। ज्यादा उत्पादन देने वाले करीब 7,25,000 पशुओं को जोखिम प्रबंधन के तहत कवर किया जाएगा, जिससे 3,50,000 किसानों को फायदा मिलेगा। चारे से जुड़े उद्यमियों को तैयार करके उन्हें बढ़ावा दिए जाने से देश में चारे और चारा बीज की उपलब्धता कई गुना बढ़ने की भी उम्मीद है। पशुधन की गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण भी इसी मिशन के घटक हैं। इन घटकों की मदद से दूध, मांस, अंडा और ऊन के उत्पादन के बारे में अनुमान लगाने में राज्यों को मदद मिल सकेगी और ये अनुमान पशुधन के क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए सही प्लानिंग करने में मददगार साबित होगा। साथ ही टीकाकरण के जरिए पशुधन और मुर्गियों के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम किया जा सकेगा। पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता को बेहतर बनाया जा सकेगा। बीमारियों की निगरानी और पशु चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत अगले 5 साल में पशुपालन में जुटे 10 करोड़ किसानों के घर घर जाकर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। और साथ ही अगर बात करें तो देश में अब मोबाइल वेटनरी हॉस्पिटल, यानी अब जो पशु चिकित्सालय हैं वो स्थापित किए जाएंगे जो आपके द्वार पर पहुंच सकेंगे। साथ ही डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को 4% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। कोविड काल के दौरान इस योजना की मदद से सहकारी क्षेत्र में दूध की खरीद बहुत कम उतार चढ़ाव के साथ जारी हुई, इससे डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की राह दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके जरिए आपको बता दें, संशोधित योजनाओं की वजह से जो देसी नस्लें हैं उनमें उत्तम कोटि के जानवरों की जो संख्या है वो बढ़ सकेगी। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज 30% से बढ़कर 70% हो सकेगा। UID यानी विशिष्ट पहचान संख्या की सहायता से 30 करोड़ 20 लाख जानवरों की पहचान संभव हो पाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि इस मिशन की मदद से सिर्फ मादा बछड़ों के जन्म में 90% से भी ज़्यादा की सटीकता आ सकेगी, यानी इससे नर पशुओं की संख्या को कम करके आवारा पशुओं के प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। इन योजनाओं के जरिए देश के 47,000 गांवों को कवर किया जाएगा और रोजाना 34 लाख लीटर अतिरिक्त दूध खरीद की क्षमता का सृजन हो सकेगा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे एक खास मेहमान से जो कि इस योजना के बारे में और विस्तार से हमें जानकारी देंगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सरकार आपके साथ में, तो आपने अभी तक जान लिया कि कैसे इस योजना को आप प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में और भी बहुत सी ऐसी जानकारी है जो जानना जरूरी है, तो आइए जान लेते हैं इस अहम जानकारी को हमारे आज के खास मेहमान से।
और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर लिपी सेरीवाल जी, आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्यपालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। यहाँ डॉक्टर लिपी, आज हम खासतौर से बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में, किस तरीके से जो एक मिशन मोड में इसको लाया गया और इसके परिणाम की अगर बात की जाए, क्योंकि अब परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं, किस क्या स्थिति आप देखती हैं इसके बाद? राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत 2014-15 में हुई, 20-21 जून से पहले तक उसमें कुछ कंपोनेंट्स थे जिसमें कि आजीविका को हम सपोर्ट कर रहे थे जी। अब आजीविका से उद्यमिता विकास की तरफ हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं, ये भारत सरकार का प्रयास है। नेशनल लाइफस्टॉक मिशन जो अभी एक नया तरीके से रीअलाइन तरीके से आया है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो खासतौर से एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं जो हमारा पशुपालन क्षेत्र है या इससे जुड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी के साथ अलग अलग जो युवा हैं उनका रुझान नज़र आ रहा है, तो क्या उनके लिए किस तरह का प्रावधान जो है इस मिशन में रखा गया? बिल्कुल, चाहे कुक्कुट पालन हो या फिर भेड़ बकरी पालन हो या सुअर पालन हो या चारा उत्पादन हो, उसमें अलग अलग तरीके से युवा हो या उद्यमी हो आ सकते हैं। जो भारत सरकार का प्रावधान इसमें है वो 50% सब्सिडी, 50% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी, चाहे वो पोल्ट्री का नस्ल सुधार हो या फिर शीप गोट का हो या फिर पिग का हो या फिर फॉडर का हो, तो उसके लिए 50% सब्सिडी, यानी कि हर एक स्लैब में अलग अलग है। जैसे कि अगर आप पोल्ट्री की बात करें तो उसमें जो सीलिंग है वो 25 लाख तक का, अगर कोई उद्यमी आना चाहता है और एक पोल्ट्री फार्म लगाना चाहता है तो 25 लाख तक उसको सब्सिडी मिलेगी। अगर भेड़ बकरी की बात करें हम, तो भेड़ बकरी के लिए 50 लाख तक की। अगर हम सुअर की बात करें, सुअर पालन में अगर कोई उद्यमी आना चाहता है तो उसमें 30 लाख की, और चारा उत्पादन उसके लिए अगर करना चाहे तो 50 लाख तक की। तो ये एक प्राविधान है भारत सरकार की तरफ नेशनल लाइफस्टॉक मिशन के अंडर। तो बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन में किस तरीके से और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, आर्थिक मदद जो है वो आपको यहाँ हम कह सकते हैं उसका प्रावधान रखा गया है, और सबसे ज़्यादा रुझान की अगर बात की जाती है जो हमारे युवा हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, किस में उनका रुझान आपको नज़र आता है डॉक्टर लिपि? देखिए वो डिपेंड करता है कि किसका किस पे उसका रुझान है। जैसे कि पोल्ट्री में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उद्यमी आना चाहते हैं, अलग अलग फार्म्स लगाना चाहते हैं, लेयर फार्म लगाना चाहते हैं, उसमें कंपोजिट यूनिट उनको बनानी होगी जिसमें कि एक हैचरी होगी, फिर हैचरी के बाद उसके साथ उसको एक मदर यूनिट बनानी पड़ेगी, और मदर यूनिट के लिए एक उसके साथ एक पेरेंट स्टॉक। तो ये जब तीनों यूनिट्स कंपोजिट वो बनाएगा तो उसमें उसको 1000 चूजे से 1000 बर्ड से शुरुआत करके अगर वो, तो हम देख रहे हैं कि पोल्ट्री और जो भेड़ बकरी के का जो यूनिट है उसमें अभी बहुत लोगों का रुझान आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन कोई भी संरचना की जब हम बात करते हैं, फिर चाहे मुर्गी पालन की हो या भेड़ बकरी पालन से संबंधित हो, तो वहाँ किस तरीके से कुछ किन बातों का ख्याल रखा जाता है जब भी इस तरह का प्रावधान दिया जाता है? क्या कोई किस तरह की निगरानी भी उस पर रखी जाती है कि क्या सही में चल रहा है या नहीं, क्योंकि किसानों की कई बार शिकायतें भी रहती हैं कि उनको लाभ नहीं मिल पाया? जैसे कि जो ये नया नेशनल लाइफस्टॉक मिशन को जब रीअलाइन किया गया तो इसमें जब विचार विमर्श हुआ गया तो पहले जो नेशनल लाइफस्टॉक मिशन था उसमें जो हम भारत सरकार की तरफ से जो प्राविधान था वो राज्य सरकार को जा रहा था जी। इसमें सीधे कुछ कंपोनेंट्स में जो कि उद्यमिता विकास के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हम सीधे बेनिफिशियरी को दे रहे हैं जी। पर राज्य सरकार को, जिसको स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर से, मैं आगे बताऊंगी कि ऑनलाइन पोर्टल में ही स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह से उसमें से, ताकि वो प्रपोजल जो उनके स्टेट से किसी बेनिफिशियरी का आ रहा है, वो निगरानी जो होगी वो स्टेट की ही होगी, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो कि स्टेट का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो रहेगा जी। तो ये एक बड़ा बदलाव हमने देखा है वित्त वर्ष 2021 और 22 के बाद से जो इसमें हुआ है जी। बिल्कुल जी, और उसमें जो राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट आ रहा है, उसमें चाहे वो प्रोजेक्ट के अप्रेजल से पहले भी वो उसमें बहुत सारी टेक्निकल जितनी भी इम्प्लीकेशंस हैं उसका ध्यान वो दे रहे हैं। जिस तरीके से भारत सरकार की जो गाइडलाइन जो बनाई है उसको वो देखते हैं कि उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट आया, अगर उसमें कुछ कमी है तो वो उसको वापस करके वो डॉक्यूमेंट्स लेके उसको बेहतर बना के फिर आगे बैंक को भेजते हैं, जिससे कि उसका लोन सैंक्शन में कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल डॉक्टर लिपि, लेकिन आपको लगता है कि उद्यमिता विकास की जब हम बात करते तो शायद इसी की कमी हमें नजर आती थी, जानकारी की हम बात करें, आर्थिक मदद की हम बात करें, तकनीकी ज्ञान की हम बात करें, तो वही शायद कमी जो है इसके जरिए पूरी की जा रही है। बिल्कुल, हम पहले जो देख रहे थे, जो हम पहले जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो था उसमें हम आजीविका का, जिसमें कि 10+1 या छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे चाहे वो मुर्गी के हों चाहे वो भेड़ बकरी के हों, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स के लिए सिर्फ आजीविका को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कुछ शेयर उनका आजीविका की इसके द्वारा मिल जाए वो करते थे। फिर भारत सरकार का ये प्रयास रहा कि
नस्ल सुधार के लिए भी हमको एक एंटरप्रेनर को बनाना पड़ेगा हब और स्पोक मॉडल के द्वारा, तो उसको हमने इसके थ्रू इम्प्लीमेंट करा है। जी बिल्कुल, यानी यहाँ भी क्रियान्वयन जो है वो हम देख पा रहे हैं, लेकिन और किस तरह का जो बदलाव है वो हम आने वाले समय में देख सकते हैं इसके जरिए? स्कीम का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो हुआ था कुछ 2021 में जून में, और उसके बाद अगर हम देखें कि कुछ महीनों बाद ही आज 6,000 से ज़्यादा जो हैं उद्यमी हमारे इस पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो 3-4 महीने के अंतराल में अगर हम देखें कि 4,000 से ज़्यादा और 120 करोड़ की लागत के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो भेड़ बकरी के हों चाहे वो पोल्ट्री के हों, वो ऑलरेडी हमारे पास उसके जो आवेदन है वो आ चुके हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो जुड़ रहे हैं इससे, मिशन का लाभ ले पा रहे हैं, उनका जो उत्पाद तैयार होता है उसके प्रमाणीकरण के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है? हाल ही में अभी प्रमाणीकरण के लिए तो ऐसा इस समय इस स्कीम के द्वारा अभी कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से डेयरी मार्क हाल ही में लॉन्च हुआ था तो उसका फायदा हम मान सकते हैं कि जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी काफी मिल पाएगा? बेहतर जरूर मिलेगा उससे। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से जब भी हम बात करते हैं किसी भी जब मिशन मोड में हम आने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पशुधन क्षेत्र में हम देखते थे जो स्वास्थ्य है वो एक बड़ी समस्या बनकर उभरता था, तो क्या उस मद में भी काम अब यहाँ लगातार किए जा रहे हैं, ना सिर्फ टीकाकरण बल्कि जैसा कि नस्ल सुधार का आपने जिक्र किया? बिल्कुल, पशुधन स्वास्थ्य भी एक कॉम्पोनेंट है जो नया स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है हमारे विभाग द्वारा, तो उसमें भी अलग अलग रोग जैसे कि PPR हुआ, ब्रुसेलोसिस FMD या क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये जो महत्वपूर्ण जिनसे कि लाइफ स्टॉक को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है, वो सारी डिजीज के कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशंस हो या फिर अलग तरीके की चाहे वो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं, वो सब का ध्यान भारत सरकार द्वारा लाइफ स्टॉक हेल्थ के स्कीम के द्वारा दिया जा रहा है। बिल्कुल, और जो हमारे जो युवा हैं जो इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, अगर उनके जहन में आता है कि कैसे हम इसका लिए अपने पात्रता को सुनिश्चित कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वो सारी जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल, ये पोर्टल है NLM, इसको एक्सेस किया जा सकता है nlm.udyamimitra.in से। स्कीम जो होम पेज को 3 भागों में बांटा गया है जिसमें स्कीम इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके 3 सबमिशंस हैं नेशनल लाइफस्टॉक मिशन के, इन 3 सबमिशन की डिटेल्ड जानकारियां उसमें बहुत अच्छे तरीके से दी है और एनेक्सर्स भी लगे हैं जिसके माध्यम से कोई भी किसान या कोई भी उद्यमी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकता है। जो स्कीम से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब पाके आई थिंक कोई भी उद्यमी आगे आके इसमें अप्लाई कर सकता है वो वहाँ पे है, जहाँ कॉन्टैक्ट करना अगर कोई भी परेशानी है वो वहाँ पे है, तो वो पोर्टल द्वारा अप्लाई करने के लिए माध्यम जो है वो OTP जनरेट होता है फ़ोन नंबर से और फिर प्रोजेक्ट अप्लाई किया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अपने पर्सनल लैंड डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किए जाते हैं और सबमिट कर दिया जाता है, बैंक की जानकारी जिसमें बैंक और ब्रांच और IFSC कोड सारी जानकारियाँ उसमें डाल के और वो एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। जी बिल्कुल, और जैसे आपने उपमिशन के बारे में यहाँ जानकारी दी, फिर जो चाहे शुक्र पालन से जुड़े हैं या मुर्गी पालन से जुड़े हैं या खासतौर से जब चारे की समस्या हमारे किसानों के सामने आती है तो साइलेज का एक विकल्प अब उनके पास है, तो इस दिशा में भी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स से आगे बढ़ रहे हैं उनको काफ़ी मदद इसके जरिए मिल पाएगी? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि साइलेज यूनिट के लिए इसमें 50 लाख तक की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है और ये सब्सिडी जो है 2 भागों में डिवाइड की जाएगी, एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो प्रोजेक्ट शुरू होने पर मिलेगी और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब प्रोजेक्ट का कुछ परसेंटेज कम्प्लीट हो जाएगा तो मिलेगी। तो 50 लाख 1 करोड़ की लागत की अगर कोई साइलेज मेकिंग प्लांट बनाता है तो 50 लाख उसको इससे मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसके लिए बताऊंगी, डिपार्टमेंट ने एक कन्वर्जेंस करके एक स्कीम की कन्वर्जेंस की भी बात की है, तो अगर कोई 50% राष्ट्रीय पशुधन मिशन से सब्सिडी लेता है तो बाकी 50% अगर वो बैंक लोन लेता है तो वो बाकी बचा हुआ 50% जो है उस लोन के अगेंस्ट 3% इंटरेस्ट सबवेंशन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से ले सकता है। तो यानी कि डबल मुनाफा, कोई भी ज्यादा मुनाफा आपको हो सकता है और आप पे जो भार है देखिए वो भी कम करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है डॉक्टर लिपि, इसके लिए भी क्या हम मान सकते हैं जो पहले या जागरूकता कार्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं या ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है? हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा ही सितंबर 2021 में इस पोर्टल का लॉन्च हुआ था, उसके बाद रेगुलरली हम चाहे कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू या अपने राज्य सरकार के थ्रू या डिफरेंट बैंक्स के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच
पहुंचा सके ताकि उद्यमिता विकास इससे आगे बढ़े। बिल्कुल, उद्यमिता विकास में और तेजी इसके जरिए आ सके। और पोर्टल का आपने जिक्र किया तो हमारे जो युवा हैं या जो कहीं ना कहीं रुचि इसमें है वो इस पे आवेदन तो कर ही सकते हैं। और किस तरह की जो सुविधा या सेवा है वो उनको पोर्टल से मिल जाती है? पोर्टल में एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, अगर किसी भी किस्म की, जैसे कि कोई बैंक अगर जो वो एंटर कर रहे हैं उसमें और वो बैंक अगर उसमें नहीं रिफ्लेक्ट होता है, ये एक छोटी सी चीज़ है, बट और भी कोई चीज़ अगर पोर्टल से रिलेटेड है तो हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं और ईमेल आईडी उसमें दिया हुआ है जहाँ पर वो लिखते हैं, और हम रोज़ ही, हमारे पास ऐसी हज़ारों इन्फॉर्मेशन आती हैं जो हम उनको देते हैं। यानी एक शिकायत विंडो के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर किसी किसान को कुछ दिक्कत आती है या कोई शिकायत है तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो कृषि के साथ साथ पशुपालन क्षेत्र का जो विस्तार जिस तीव्रता के साथ हो रहा है, और किस तरह का बड़ा बदलाव हम देख पाएंगे? क्योंकि बाहरी देशों से हम तुलना करते हैं कि वहाँ पर जो पशुपालन की स्थिति है वो हमारे देश में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या जिसका आंकड़ा भी आपने बताया कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन उतना मुनाफा नहीं हो पाता है। वो उसी के लिए ये स्कीम को थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया गया है कि हमें बेहतर मुनाफा मिल पाए इससे। हब एंड स्पोक मॉडल, जैसे कि मैंने बात की कि अगर एक एंटरप्रेन्योर बनेगा तो उससे और भी लोगों को वो ट्रेन करेगा और एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस किस तरीके से हैं, वो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। जी बिल्कुल, और खासतौर से जब नस्ल सुधार की हम बात करते हैं, ब्राज़ील या डेनमार्क की हम बात करें, तो शायद हमारे जो, क्योंकि दुग्ध उत्पादन में भी हम पहले पायदान पर हैं, लेकिन प्रति पशु अगर उत्पादकता की हम बात करते हैं वहाँ शायद थोड़ी सी अभी पीछे हम नज़र आते हैं। तो कोशिश यही कि एक मिशन मोड पर सबको लिया जाए और पूरे तरीके से आगे बढ़ सकें हम। बिल्कुल, तो उसके लिए सबसे बड़ा था वो था गुणवत्ता को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। तो गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नस्ल सुधार जो है वो सबसे आवश्यक है जी। तो यही एक ऑब्जेक्टिव है रियलाइन्ड नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का, कि आप गुणवत्ता के सुधार के लिए नस्ल को पहले सुधार करिए। तो जब हम जितनी भी भारतीय नस्ल है हमारी, चाहे वो शीप गोट की हो या पोल्ट्री की हो, जैसे कि कड़कनाथ की अभी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है मुर्गी की, तो इसके लिए ही ये स्कीम का प्राविधान किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए उसी के लिए इस योजना को किस तरीके से हम मान सकते हैं कि उद्देश्य जो है वो सरकार का सीधे तौर पर साफ है कि कैसे हमारा जो पशुपालन क्षेत्र है, पशुधन जो है यहाँ पर, कैसे उसको हम और ज़्यादा सार्थक कर सकते हैं और कैसे एक नई रुचि के साथ, नए रुझान के साथ जो युवा हैं उनको इस क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अलग अलग ऐप के जरिए भी अब अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ऐप अभी तक इसमें हमने डेवलप नहीं किया है, बट पोर्टल डेवलप किया है जिसमें हमने एप्लीकेशन स्टेप्स तक बताए हैं कि किस तरीके से, या वीडियोस बना के रखे हैं कि किस तरीके से किसी, जब भी हम किसी सेमिनार में या ट्रेनिंग्स लेते हैं तो हम बताते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं पोर्टल का कि किस तरीके से कोई भी किसान या फिर उद्यमी उसमें अप्लाई करेगा। एक एक स्टेप बहुत अच्छे से उसको समझाया जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन खासतौर से जब हम बात करते हैं कि कैसे हमारे जो युवा हैं या कोई भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है, कैसे उनका जो पहला शुरुआती चरण होगा वो हम क्या मान सकते हैं? सीधा पोर्टल पर जाकर उनको आवेदन करना है बस? इसके लिए छोटे हमने ब्रोशर्स बनाए हैं, ब्रोशर्स में स्कैन क्यूआर कोड्स अवेलेबल कराए हैं। क्यूआर कोड कोई भी क्लिक करेगा अपने मोबाइल से तो वो सीधे ऐप पोर्टल पर जाएगा और पोर्टल पर वो सारी जानकारियाँ उसको मिलती हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए सारी जानकारी जो है वो आपको जाहिर तौर पर मिल सकती है, लेकिन अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि कैसे कोशिश की जा रही है कि अगर जो चुनौतियां हमारे सामने थी उनको दूर किया गया और वर्ष 2021 और 22 में किस तरीके से नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने और तीव्रता के साथ इस मिशन मोड पर काम किया है और उसका असर जो है या उसके परिणाम जो हैं वो भी हमारे सामने आने लगे हैं, और उसी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स की जब हम बात करते हैं, जो उनकी संख्या है, जो उनका आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें अब ये सारी जानकारी जो है आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप कोई और अपना सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। और इसके अलावा आपको बता दें आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा सरकार आपके साथ, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार तक ये लाइंस खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना जो सवाल है दर्ज करा सकते हैं। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी।
तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई योजना के बारे में, आपको विस्तार से देंगे जानकारी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।